हाँ बच्चा देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 1 - x की पावर 8 -1/(1 - x)² - 1। अब ये जो क्वेश्चन है, अभी हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम क्या था बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू a पे x की पावर n - a की पावर n / x - a अगर होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, n * a की पावर n - 1। क्या ये इस फॉर्म में अप्लाई होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि भाई x टेंस टू जीरो, जो यहाँ पे a है, a यहाँ पे x जो है a को क्या अप्रोच कर रहा है, जीरो है ना, तो a शुड बी सेम ना, a शुड बी सेम। अगर a सेम होना चाहिए बेटा, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, वन। अगर मैं उसको थ्योरम वन में कंसिडर करूँ तो क्या ये बैठेगा? नहीं, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे वो चेंजेस क्या करेंगे बेटा, तो हम लेट सपोज इस x को, इसको हम x पकड़ लेते हैं, 1 - x को मैं कुछ एक वेरिएबल पकड़ लेता हूँ। यदि मैं इसे एक वेरिएबल पकड़ता हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, y = 1 - x पकड़ लेते हैं। इसे मैंने क्या पकड़ लिया, y = 1 - x। अब देखिए, जब ये x के टर्म में था तो हम लिमिट यूज कर रहे थे x टेंस टू जीरो, हाँ जी। अगर हम इसको y के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिमिट भी बदलेगा बेटा। अब x जीरो हो गया तो y क्या हो गया, y हो गया y टेंस टू वन, y टेंस टू क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन बिकम चेंज, लिमिट y टेंस टू वन, अब क्या आपने चेंज करा, इसको आपने करा y^8 - 1/(y²-1)। अब देखिए कि यहाँ पे लिमिट क्या है, y टेंस टू वन है, ठीक है। क्या ये थ्योरम में आप कर सकते हैं कन्वर्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, अब कर सकते हैं आप, a यहाँ पे दिख सकता है ना। तो जैसे हम लास्ट बताए थे कि भाई लिमिट पहले प्रॉपर्टी f(x) g(x) दो फंक्शन अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। y^8 - 1^8 हम इसे लिख सकते हैं नीचे बेटा, लिमिट y टेंस टू वन है जी, नीचे क्या है y²-1। अब देखिए अगर ये, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ y-1 ले लूँ और यहाँ पे y-1 ले लूँ, थ्योरम आराम से अप्लाई हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, n * a मैच कर रहा है n - 1, दैट इज 7, यहाँ पे बेटा 2 की पावर 2 * 1 की पावर 2 - 1, दैट इज 1, 1 की पावर 7 1 ही होगा, 2 से काट दीजिए 4 टाइम्स, द आंसर इज 4, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। बस क्या करना है, कभी कभी हमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट वो थ्योरम में ना बैठे, तो डायरेक्ट थ्योरम में नहीं बैठेगा तो डेफिनेटली आप x टेंस टू a को देखिएगा, x टेंस टू a को देखिएगा, समझ में आ जाएगा वो क्यों नहीं बैठ रहा है, वो चाहता है कि आप कुछ उसको सब्स्टिट्यूट करें, है ना, कुछ वेरिएबल मान के चेंज करें ताकि वो उसमें बैठ जाए, ठीक है। बड़ा इजी सवाल था, है ना, इसका आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम अप्रोच करेंगे किस तरीके से, उस तरीके से। अभी हम देखते हैं क्या दिया है, लिमिट y टेंस टू 1 क्या है, 2y - 2/(√)। इस बार क्या दिया है बेटा, क्यूब रूट 7 + y - 2, क्यूब रूट है यहाँ पे, ध्यान से दीजिएगा ना, क्यूब रूट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्क्वायर रूट बोले तो क्या लिखते हैं हम लोग, है ना, मान लीजिए x, तो क्या लिखते हैं x^1/2, क्यूब रूट होगा तो क्या लिखेंगे, x^1/3, है ना, ऐसा लिखेंगे, तो ये हमें पता है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये थ्योरम में अप्लाई डायरेक्टली हो पाएगा, देखते हैं। y टेंस टू 1, यहाँ पे 1 है क्या दिया, नहीं, चलो एक स्टेप समझ में आ रहा है कि शायद हम न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ले सकते हैं, है ना, 2 कॉमन क्या है बेटा, y - 1 नीचे, ठीक, नीचे क्या है, इसको ले सकते हैं 7 + y^1/3 माइनस, अभी ध्यान से देखिएगा, ये 1/3 है, क्या हम इस 2 को, ध्यान देखिए, इस 2 को हम 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यदि, है ना, आप एक काम करना, ध्यान देखिए, 1/3 8, अगर हम 8 लेते हैं, ठीक है, 8 का आप क्यूब रूट लो, ठीक, 8 का क्यूब रूट लेंगे आएगा 2 आएगा,
मतलब हम इस टू को इस तरीके से लिख सकते हैं। बोले सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें थ्योरम अप्लाई करना था। थ्योरम क्या कहता है? पावर शुड बी सेम, पावर शुड बी सेम, इसलिए मैंने ये कोशिश करा। अब ये यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला याद आता है, बचपन में सीखा है हमने। क्या है उनका फॉर्मूला? वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या था फॉर्मूला याद करिए? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने बचपन में सीखा। क्या ये इस फॉर्मूले में बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। ध्यान से देखें, अगर मैं इसको मैं इस फॉर्मूले में बनाना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा? अगर मैं इसको ए मान लूँ, अगर मैं ध्यान से देखिए इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो ए माइनस बी दिख रहा है, तो हमें क्या टर्म चाहिए? हमें ये टर्म चाहिए ताकि मैं ये फॉर्मूला बना पाऊँ, राइट? ठीक है, लिमिट वाई टेंस टू वन। हम ये मेथड में क्यों जा रहे हैं? हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि क्वेश्चन जब भी आए हमें क्या करना है, पहले वन डाल के देखना है। यदि आप वन डाल के देख रहे होते है ना, तो वो क्या बनता? वन डालिए टू माइनस टू, यहाँ वन डालिए एट बन जाएगा। दैट इज मतलब ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ही बनते हैं, ठीक है। तो जो नहीं बनता है उसमें डायरेक्टली हम सिखाए थे कि डायरेक्टली आप अप्लाई करके वैल्यू निकाल लें। जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना तो हमें कुछ ना कुछ मेथड अप्लाई करके लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हालांकि ये बन रहा है तो हम लोग इस मेथड से जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? यहाँ पर टू है वाई माइनस वन, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस y की पावर है ये 1/3, माइनस ये क्या होता है 8 की पावर 1/3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको मैं क्या बोला? a मान लिया। तो अगर मैं इसको a मान लूंगा तो क्या बन जाएगा? 7 प्लस y की पावर, इस पूरे को हम a मान रहे हैं, ठीक है। a स्क्वायर लेना है जी, तो क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस ए बी। ये क्या होता? 7 प्लस y का पावर 1/3 ए है, ठीक है। इंटू बी क्या है बेटा? 8 की पावर 1/3। सभी ध्यान से देखिए, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है ना? 8 की पावर 1/3, बी स्क्वायर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2/3। ये काम आप अपने मन से कर रहे हो। अगर न्यूमरेटर की हो तो डिनोमिनेटर की हो तो न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 7 प्लस y की पावर क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है। प्लस ये क्या होता है? 7 प्लस y टू दी पावर 1/3 इंटू 8 टू दी पावर 1/3 प्लस 8 टू दी पावर 2/3। ध्यान से देखिए, ये आ गया सभी को समझ में? अभी देखिए, अब ये क्या बन गया? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान से देखिए, लिमिट वाई टेंस टू वन पे 2 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, इंटू ये पूरा आप लिख सकते हैं वैसे 7 प्लस y की पावर 2/3 प्लस 7 प्लस y की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3 प्लस 8 टू दी पावर 2/3, ठीक है। नीचे नीचे फॉर्मूला बन गया किसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बचेगा? 7 प्लस y, इसका क्यूब लेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इधर यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 8 बचेगा। सभी को समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, 7 माइनस 8 माइनस 1 आएगा, तो y माइनस 1 मतलब इसको इसको हम पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये 7 माइनस 8 माइनस 1 ही आने वाला है। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, अब डिनोमिनेटर वाले टर्म्स गायब हो गए। अब हम y टेंस टू 1 डाल के देखते हैं, अगर ये फॉर्म बनेगा तो फिर और कोई मेथड प्रोसीड करेंगे, है ना। यहाँ हालांकि नहीं बनने वाला है, 1 डाल देते हैं। 1 डालेंगे क्या आएगा? 2 इंटू, ठीक है। 1 डालेंगे 8, 8 की पावर क्या आ जाएगा आपका? 2/3 प्लस यहाँ डालेंगे 8 की पावर क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 8 की पावर क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस ये क्या होता है? 8 की पावर 2/3, है ना। अब देखिए इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 कैंसिल, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा? 2 इंटू 2, है ना जी। प्लस यहाँ भी 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 3, 3 3 कैंसिल, 2 की पावर 2, है ना। तो क्या आ रहा है?
इंटू क्या आएगा, 4 + 4 + 4 दैट इज 12, 12 × 2 दैट इज 24, सो द आंसर इज 24, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नोटिस करने के बाद क्या था बेटा कि क्यूब रूट का फंडा आया था, क्यूब रूट का फंडा आने की वजह से हम थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाए, तो कुछ और मेथड हम यूज करना चाहे तो क्यूब रूट जैसे आया दिमाग में क्या आना चाहिए था, क्यूब का फॉर्मूला क्यों ना लगा के देखे। ठीक है, तो हमें परेशान कौन कर रहा था, 2, तो मैंने क्या किया 2 को मैंने 8 की पावर 1/3 मिल गया। जैसे ही लिखा तो मुझे एक फॉर्मूला ध्यान में आया कि भाई a³ - b³ लगा के देखते हैं शायद ये बन जाए। और एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जो फैक्टर यहाँ पे क्या है बेटा y → 1 है ना, तो डेफिनेटली y - 1 ये फैक्टर ऊपर नीचे कट होना ही है। ठीक है, जब भी अगर आप थ्योरम से नहीं कर रहे हैं है ना, कुछ मेथड यूज कर रहे हैं फॉर्मूला वगैरह है ना, ये फैक्टर्स को अलग अलग लिखना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो फैक्टर कटना चाहिए, अगर वो फैक्टर कट जाता है तो फिर लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट मेथड जो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है बेटा, है ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया था आपको, ध्यान दीजिएगा है ना, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, लिमिट। ठीक है, x → 2। ठीक है, क्या था, x² - 4 / x - 2, ये क्वेश्चन था, याद करिए जिसमें हमने थ्योरम लगाया था है ना, थ्योरम वाइज को सॉल्व किया था है ना, थ्योरम लग सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और आराम से ये थ्योरम में अप्लाई हो जाएगा। बट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को समझते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डाल के देखेंगे तो 100% क्या बनेगा बेटा, 0/0 फॉर्म बनेगा। जब भी 0/0 फॉर्म बनता है हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते है ना, कोई मैथड पर जाना पड़ता है। अब हम बोल रहे हैं कि मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, देखिए x → a, ए यहाँ क्या है 2 है, अगर a 2 है कोशिश करिएगा, a 2 है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मान के चलिए, तो फैक्टर क्या निकलेगा, x - 2। मतलब यदि मैं यहाँ से एक x - 2 टर्म को हटा दूँ, वो फैक्टर को अलग कर दूँ और उस फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमेटर में कैंसिल कर दूँ, तो फिर हम अपना लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, यही चीज़ है बेटा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कि आप किसी भी तरीके से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जिसकी वजह से वो इन 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो वो फैक्टर को आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का, क्या कर रहे हैं, लिमिट x → 2, लिमिट x → 2 क्या हो जाएगा, x² - 2 का² / x - 2 है ना, अभी फॉर्मूला बन गया a² - b² क्या बोलेंगे, लिमिट x → 2 क्या हो गया, x - 2 x + 2 / x - 2। आप क्या देख रहे हैं कि जिसके वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा था वो फैक्टर को मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ यू कैन अप्लाई x = 2 ओवर हियर, जैसे अप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 4, तो अप्लाई की आंसर आ गया 4, एक फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हुआ, मैंने सिंपल उसी एग्जांपल को लिया ताकि आप समझ पाओ कि फैक्टराइजेशन ये जो वर्ड आ रहा है, फैक्टर्स को अलग करना है, कैसे मिलेगा, फैक्टर्स को क्या करना है, अलग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये उसी पे बेस्ड है ना, यहाँ पे क्या है, x → a की जगह पे वेरिएबल y यूज कर रहा है, y → half यूज कर रहा है, क्या ये उस फॉर्म में बन सकता है, तो मुझे न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं दिख रहा है खास, डिनोमिनेटर में मैं y कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर में मैं y कॉमन ले सकता हूँ, तो चलिए लेके देखते हैं y → half, y → half में क्या आएगा, 1 - 8। 8 को एक और काम किया सकता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा यदि मैं 2y³ लिखूं, या सभी सहमत लिख सकते हैं, 1 को भी बेटा मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अच्छा, हम ये मेथड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम जब y हाफ रखेंगे तो हाफ रखने के बाद अगेन ये 0/0 बन रहा है, आप देख के देखिए, हाफ रखिए क्या आएगा, हाफ का क्यूब 1/8, एक कट गया, 1 बचा 1 - 1 0, यहाँ भी देखिए करके आप, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2, ठीक है, करके देखिए ये भी क्या हो रहा है, 0/4 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ½ - ½ 0 आ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, उस फैक्टर्स को गायब करना चाहते हैं जिसके वजह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो
अभी हम क्या करेंगे, ये तो बन गया बेटा न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे बेटा हम कॉमन ले सकते हैं वन, क्या बचा वन माइनस फोर वाई स्क्वायर बचेगा सर ना। नेक्स्ट स्टेप लिमिट y टेंड्स टू हाफ, y टेंड्स टू हाफ, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला हम अभी लास्ट क्वेश्चन में किए थे, क्या था ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला, वन माइनस टू वाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब वन प्लस ए बी मतलब वन इंटू टू वाई, ठीक है, वन इंटू टू वाई प्लस बी स्क्वायर दैट इज फोर वाई स्क्वायर अपॉन नीचे वाई। नीचे ध्यान से देखिए ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर प्लस टू वाई का होल स्क्वायर बन रहा है क्या फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे बना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, लिमिट वाई टेंड्स टू हाफ, वाई टेंड्स टू हाफ लेते हैं, ठीक है, वाई टेंड्स टू हाफ लेंगे, न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, वन माइनस टू वाई ऐसे रख दीजिए, ठीक है, इनटू ये क्या आ जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, वन प्लस क्या आ गया टू वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर है जी, नीचे y इंटू इसके फैक्टर्स ले लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या जाएगा वन माइनस टू वाई ए माइनस बी ए प्लस बी वन प्लस टू वाई, ये दो फैक्टर्स आपने ले लिया, ये फैक्टर्स कर लो, ध्यान दीजिए मैं अपना स्टेटमेंट बदल नहीं रहा हूँ, फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जिस फैक्टर्स की वजह से वो जीरो बाई जीरो बनता है वो फैक्टर कैसे आप जज करोगे, जो भी टेंस टू दिया है उसको इक्वल टू जीरो मान लो, ठीक है, उसको मतलब y इक्वल टू हाफ मान लिया, हाफ को इधर लाए तो वो फैक्टर बन जाएगा जीरो के फॉर्म में, क्या हो जाएगा y माइनस हाफ, तो y माइनस हाफ, ठीक है, अल्टीमेटली वन माइनस टू वाई, ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए y इक्वल टू टू तो y x माइनस टू तो x माइनस टू कटेगा, देख पा रहे हैं आप ये कटेगा। अब क्या है लिमिट अप्लाई करके देखते हैं क्या अब भी जीरो बाय जीरो बन रहा है ना, अब भी बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई डालते हैं, चलिए कितना आएगा वन प्लस यहाँ पर डालिए टू इंटू हाफ प्लस फोर इंटू हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, नीचे आइए है ना, इधर हाफ इंटू वन प्लस टू इंटू का हाफ, ठीक है जी, टू से टू कट गया फोर से फोर कट गया टू से टू कट गया कितना बचेगा बेटा वन प्लस वन दैट इज थ्री, नीचे वन प्लस वन टू आ गया टू टू कट गया कितना बचेगा वन दैट इज आंसर, ठीक ऑप्शन है सी, सिंपल था। नेक्स्ट अब बोलेंगे सर पावर तो बढ़ा दिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करा पावर बढ़ा दिया, क्या ये फैक्टराइजेशन से होगा, बिल्कुल होगा, बस आपको फैक्टर्स लेने आना चाहिए, देखिए ऊपर में पावर फोर है एंड हाईएस्ट पावर फोर है, नीचे पावर हाईएस्ट थ्री है, तो इसके फैक्टर्स एक तो 100% के होंगे, पहले हम वन डाल के देखते हैं, वन डाल के देखिए आप 100% वही हो रहा है, वन डाल के देखिए अगेन जीरो बाय जीरो बन रहा है, ये तो आपको चेक करना ही चाहिए पहले, अगर डायरेक्ट अप्लाई होता है तो राइट आंसर आता है, नहीं आ रहा है तो उनको मेथड में जाना पड़ेगा, मेथड में भी कौन सा मेथड जाना है अभी तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या बोला, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको अप्रोच करते हैं तो मैंने एक बात एक हिंट दिया आपको कि भाई एक फैक्टर को यहाँ से मिल जाएगा आपको 100% एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, ठीक, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन मतलब क्या, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक फैक्टर तो वो होने वाला, वही हमें परेशान करता, तो क्यों ना हम एक तो वो तरीका है, दूसरा हम रिमाइंडर थ्योरम बोल के पढ़े हैं कि भाई इससे इसको डिवाइड करके वो फैक्टर निकाल लेना, ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, या सिंथेटिक डिवीजन मेथड आता है उससे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो मैंने हिंट क्या दिया आपको, इसको मान लीजिए वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये जीरो बाय जीरो बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो होता है उसमें क्या होता है हम सारे कोफिशियंट्स को लिखते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स की पावर फोर उसका कोफिशियंट क्या है वन, ठीक है, क्यूब यहाँ पे है नहीं, क्यूब का कोफिशियंट क्या हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर टर्म का कोफिशियंट क्या हो जाएगा माइनस थ्री, एक्स का टर्म है नहीं उसको जीरो ले लोगे, और एक कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बेटा टू, ठीक, इसको बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है, फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं तो पहला फैक्टर तो हम क्या है वन ही है, हमें हिंट मिल चुका है वन ले लीजिए, ठीक है, पहला फैक्टर हमें हिंट मिल चुका है वन ले लीजिए, ठीक, अब क्या करना है वन का वन यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, वन का वन यहाँ पे एज इट इज, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, इसको मल्टीप्लाई किए क्या आया वन, फिर इसको ऐड करिए कितना आएगा वन, अगेन वन इंटू वन करिए कितना आएगा वन इंटू वन वन, कितना आएगा इसको माइनस टू आ जाएगा, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू,
अगेन ऐड करेंगे क्या आएगा, माइनस टू, वन इंटू माइनस टू कितना आएगा माइनस टू, ठीक है, स्क्वायर ऐड करेंगे कितना आएगा जीरो, लास्ट में जीरो आ गया मतलब एक फैक्टर कम हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो हो गया अपना वन, एक्स माइनस वन एक फैक्टर हो गया, बाकी ये जो बचे है ना, पहले पावर फोर था अब क्यूबिक टर्म बचेगा, क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, ठीक है, कोफिशियंट्स को हमने लिख दिया, एक एक फैक्टर आपने कम कर दिया ना। अच्छा नीचे हमका क्यूबिक है, क्यूबिक को भी सेम फंडा से, मैंने क्या बोला एक फैक्टर को आपको एक हिंट मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ भी सेम हम करने वाले हैं, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे फिर से हम यहाँ इसके कोफिशियंट्स क्या है लिख दीजिए, इसके कोफिशियंट लिख दीजिए क्या है, वन है, माइनस फाइव है, ठीक है, फिर क्या है थ्री है और वन है, ये कोफिशियंट्स, पहला तो वन हो गया जी, ठीक है, ये पहला वैसे का वैसा आ गया वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वन से वन वन आया, फिर यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा माइनस फोर, इसको मल्टीप्लाई करा माइनस फोर, इसको ऐड करा माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करा फिर माइनस वन आ गया, इसको ऐड करा जीरो आ गया, एक फैक्टर खत्म है ना। तो अभी क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर को, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज नथिंग बट एक्स माइनस वन एक फैक्टर है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस, ठीक है, अब जो है इसको हम यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं क्या फैक्टर्स के फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंस टू वन पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर क्या था एक्स माइनस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू, ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर ये वाला एक्स माइनस वन, ठीक है, ये क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर है ना, फोर एक्स माइनस वन। तो आपने क्या देखा बेटा कि अगर पावर ज़्यादा है तो भी फैक्टर निकालना आसान है ना, जो मैंने हिंट दिया उसको ध्यान रखेंगे, ये हो गया कैंसल, ठीक है। अब आप कोशिश करिए क्या अब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, आई थिंक नहीं बनेगा, तो आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वन डालेंगे क्या आएगा वन का क्यूब वन प्लस यहाँ डालिए वन का स्क्वायर वन है ना, वन यहाँ डालेंगे माइनस टू, माइनस टू और नीचे इधर वन, ये माइनस फोर, ये माइनस वन, क्या आ जाएगा बताइए, वन वन टू हो गया, टू कट गया माइनस टू बचेगा, नीचे प्लस वन माइनस वन कट गया माइनस फोर, टू टू जा माइनस माइनस कैंसिल, सो द आंसर इज हाफ, आंसर इज हाफ, ठीक है जी, आंसर तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमने दोनों देखे, ठीक है, इसमें मेन हमारा फंडा क्या था बेटा, ये आपको सिखाना कि कैसे हम फैक्टर्स को अलग करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा, ठीक है, तो अगर फैक्टर फैक्टराइजेशन से उसको हम अलग अलग कर सकते हैं तो फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पुराना ही बेसिक कंसेप्ट है, कहीं कहीं फॉर्मूला लग जाता है, कहीं कहीं ये अपना रिमाइंडर थ्योरम या सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आप फैक्टर्स को काउंट कर लो, फिर फैक्टर्स को अलग करके फैक्टर्स मैप करके आप उसको लिमिट अप्लाई कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको लिख दीजिए।